रूस यूक्रेन जंग को 5 महीने हो चुके हैं। यूक्रेन शहर खंडहर में तब्दील होते जा रहे हैं। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का काफ़ी नुकसान पहुंच चुका है। जंग के चलते दुनिया में अब खाने को लेकर संकट पैदा हो गया। दुनिया के इस संकट से निपटने के लिए 23 जुलाई को रूस और यूक्रेन के बीच एक समझौता हुआ था, जिसको कहा गया ग्रेन एक्सपोर्ट डील। इस समझौते के तहत रूस और यूक्रेन में ये समझौता हुआ कि जो यूक्रेन में गेहूँ होता है उसके एक्सपोर्ट को रूस नहीं रोकेगा। हालांकि दोस्तों, इस समझौता के मात्र 12 घंटे बाद ही रूस ने यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट पर मिसाइल से हमला कर दिया गया। अब इस मिसाइल हमले के बाद माना जा रहा है यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट में बहुत से लोग मारे गए हैं। फोटो आपके सामने है जहां पर दंकल की गाड़ियां इस समय आग बुझा रही हैं। ओडेसा पर हुए हमले पर यूएन, यूरोपियन यूनियन, यूएस, ब्रिटेन, जर्मनी और इटली ने इसकी कड़ी निंदा की है। इस पर इन्होंने ये कहा है कि अब शायद रूस अपनी हदें पार कर रहा है। यही दोस्तों, जेलेंस्की ने इस पर कहा कि यह हमला रूसी बर्बरता को दिखाता है कि उसे दुनिया की परवाह नहीं है। दरअसल दोस्तों, अगर ये डील सफल हो जाता तो दुनिया में आने वाली भूखमरी को टाला जा सकता था, लेकिन अब ये डील असफल हो चुका है, जिसकी वजह से जो दुनिया में खाद्य संकट है, जो खाने पीने का गेहूं होता है, उसकी संकट अब उभर के आ रही है। बता दे दोस्तों, दुनिया में यूक्रेन का बहुत बड़ा हाथ होता है हर गेहूं के पीछे। दुनिया भर में 30% जो गेहूं होता है वो यूक्रेन लोगों को देता है, 29% जौ देता है, 15% मक्का देता है और 75% तक का जो सनफ्लावर तेल होता है, जो कि हम रिफाइंड तेल से कहते हैं, वो यूक्रेन से आते हैं। इस हमले के बाद दोस्तों, मैं बता दूं, आने वाले समय में रिफाइंड तेल से लेके गेहूं के तेल जो होते हैं, गेहूं का प्राइस होता है, वो ब्रेड बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। आप इस हमले के बारे में अपना क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और भी ऐसे लेटेस्ट खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द न्यूज़ नेक्स्ट।